हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं एक और नई वीडियो आपके लिए लेकर आ गया हूँ, मेरी भांजी के डांस का वीडियो। तो आप प्लीज उस वीडियो को जरूर ध्यान से देखिए। चलते हैं डायरेक्ट वीडियो पर। वीडियो नहीं बना रहा, वीडियो नहीं बना रहा, बिल्कुल बना रहा हूँ। अरे वाह, क्या बात, ये डांसर। ये DID डांसर। अरे वाह, क्या बात, बिजली भी गिर जानी है। वीडियो नहीं बना रहा मैं। हाँ, क्या हुआ, चक्कर है? आराम से आराम से। अच्छा, उसकी लगती नहीं है उतनी हाइट। साला हाइट बहुत है, लगती है उसकी, देखने लंबा लगता है बहुत वो। इतना लंबा है काम भाई, 6 फीट का तो एक मतलब जनरल आदमी मिल जाता है देखने में। तो जब टीवी में देखते हैं, अब ये बहुत छोटा है, ये लगता है कि बहुत लंबा है। क्या होगी इसकी लंबाई, और ये देखने से लग रहा लंबा है। ये ऐसा है 5 फुट 7 इंच या 8 इंच के बीच में। अच्छा, तो दोस्तों अब मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, जो मेरी भांजी है ना, अभी तक डांस कर रही थी मस्ती करते करते, अब ये देखो खेलने में लग गई है। दोस्तों अपनी गुड़िया से खेल रही है ना, कितनी प्यारी गुड़िया इसकी लग रही है। तो दोस्तों यहाँ पे ये बहुत मजे कर रही थी, और मैं आपको इसकी पूरी वीडियो दिखा रहा हूँ। मतलब ये मैंने कुछ फोटो खींचे हुए थे, ये मेरे साथ देखिए कितना मुस्कुराते हुए है ना, इतना स्माइलिंग फेस है। तो बच्चे वैसे ही इतने क्यूट लगते हैं। ये इनके एक दूसरे मामा है, जो मेरी सबसे बड़ी मौसी है, ये उनका सबसे छोटा लड़का है। तो ये अपने विक्की मामा के साथ भी खेलती हुई, ये देखो दोस्तों उसकी गोदी में खेलती हुई। बाकी ये दोनों बराबर में दो मामा और बैठे हैं, रोहित मामा निशु मामा। ये मेरी छोटी मौसी के दोनों लड़के हैं, जो एक ब्लैक शर्ट में और रेड शर्ट में है। बाकी हम सारे हैं। तो मतलब हमने ना कुल मिला के खूब मस्ती करी, और ये पूरा उस मस्ती के दोस्तों है ना फोटो है। तो बहुत मज़ा हमें यहाँ पे आया, और हमने यहाँ पे वाकई में बहुत ज़्यादा मज़े किए। ये देखो अपने मामा की गोदी में कैसे बैठी है, मामा फ़ोन चला रहे हैं, मामा बिजी हैं, लेकिन वो अपने गोदी में बैठ के मस्ती कर रही है, बस खाली बैठ के चुइयाँ। दोस्तों प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी आपको मेरी ये वीडियो लगी। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक आप कर सकते हैं, चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचता रहे। इसके अलावा दोस्तों वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, ताकि और लोग भी इस वीडियो के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान सकें। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलता हूँ अगली वीडियो में एक और बहुत नए और बेहतरीन टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच दोस्तों।